सो गाइस आज मेरी दिन की शुरुआत हो रही है कुतुब मीनार से। अभी मैं कुतुब गोल्फ कोर्स में और आज मेरी दिन की शुरुआत कर रहा हूँ कुतुब मीनार, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है और मैं आज वो विज़िट करने वाला हूँ। आपको हर चीज़ दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, जहाँ पे टिकट कैसे लेते हैं, क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए, क्या क्या नहीं ले जानी चाहिए, हर एक चीज़ आपको बारीकी से अपडेट दूंगा और मैं अपनी इस जर्नी को आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। सो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए हुए लाल बटन को दबाएँ, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएँ, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। अगर जो मेरे वीडियोस आपको पसंद आएँ तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मैं आपको अपनी जर्नी दिखाता हूँ। थैंक यू। पड़े हैं कुतुब मीनार के लिए फ्रॉम कुतुब गोल्फ कोर्स। ये कुतुब मीनार के पास की सारी जगह है। यहाँ पे बहुत ही फेमस एक कुतुब रेस्टोरेंट भी है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कुतुब रेस्टोरेंट का नाम है। ये कुतुब मीनार के पास ही पड़ता है। तो आपको अगर जो कुतुब मीनार आए हैं और आपको भूख लगी है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं कुतुब रेस्टोरेंट में। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम पहुँच चुके हैं कुतुब मीनार। आज छुट्टी का दिन है और कुतुब मीनार में बहुत ज़्यादा भीड़ है, जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ पे टिकट्स के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, करीबन 500 से 1000 लोग लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने की तरफ ये टिकट काउंटर है और टिकट प्राइस फॉरेनर्स के लिए है। अगर जो कैश पे करते हैं तो 600 रुपये पे करना है उनको, अगर जो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो उनको 550 पे करना है। यहाँ पे सेम अगर जो आप इंडियन रेजिडेंट हैं तो आपके लिए यहाँ पे काउंटर पे 40 रुपये कैश पे करना होगा। अगर जो आप यही टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं तो इसमें आपको 5 रुपये की छूट मिलती है। तो मेरा सजेशन है अगर जो आपको इस लाइन से बचना है, 500-1000 की लाइन लगी हुई है, 2-3 घंटे आपके फालतू में बर्बाद होंगे, तो इससे बेटर है आप अपनी टिकट ऑनलाइन yatra.com या बुक माई शो या किसी और दूसरी वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। 1 मिनट में टिकट बुक हो जाएगी और आप इस लाइन से बच जाएंगे। तो कुतुब मीनार के बाहर ये आपको पानी, नींबू पानी मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है अंदर, अब गर्मी के सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है दिल्ली में तो, और ठंडी के टाइम बहुत ठंडी। आज तो टेम्परेचर फिर भी ठीक है, बट कितना थकने के बाद एक गिलास पानी सोडा जरूर। आप यहाँ पे और भी दुकानें उधर रोड की उस साइड हैं। तो ये सोडा मैं पी रहा हूँ फाइनली, बहुत थक गया हूँ और अच्छे वीडियो बनाने के लिए यू नीड अ लेमन सोडा। बहुत पीसफुल है। थैंक यू। और इस ऑनलाइन टिकट को दिखा के मुझे एंट्री मिल जाएगी। मैंने 2 टिकट बुक किए 2 लोगों के लिए। अगर जो आपके पास टोकन है तो टोकन सिस्टम, अगर जो आप कैश काउंटर से टिकट लेते हैं तो आपको यहाँ पे एक टोकन मिलेगा, टोकन को टच करके आपको एंट्री मिलेगी। चलिए और प्रोफेशनल कैमरा से वीडियो शूट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ज़्यादा ही 25 रुपये पे करना होगा एंट्री फीस पे, जैसा कि मैंने पे किया है। इससे क्या है मैं स्मूथली वीडियो कहीं भी शूट कर सकता हूँ। यहाँ पे
आगे है कुतुब मीनार, उसके बाद हमें पड़ेगा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, फिर अलई दरवाज़ा और इमाम जमाइंस टॉम। ये है कुतुब मीनार, वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची मीनार। और ये है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। मैं आ गया हूँ कुतुब मीनार और ये बहुत ही भव्य ऊंची इमारत है, जैसा कि बहुत ही ऊंची इमारत खड़ी है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। अब कुतुब मीनार में और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत ही भव्य बहुत ही ऊंची इमारत है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुतुब मीनार है, ये 73 मीटर बोले तो बहुत ही ऊंची, करीबन 5 मंजिला इमारत है ये, देखने से ही बहुत ही अच्छा फील होता है और यहाँ पे आके बहुत सारी पिक्चर्स लेने का मन करेगा आपको, हर जगह इतनी अच्छी गाड़ी बन गई है कि यहाँ आके आपका दिल बहुत ही खिल जाएगा और आप चाहेंगे कि बहुत सारी पिक्चर्स आप कैप्चर करें और अपनी यादों में इसको रखें। कुतुब मीनार की सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही आराम से एंट्री हो गई आपके यहाँ पे और आपको बिना रोक टोक आप जितनी भी पिक्चर क्लिक करना है क्लिक करिए, जहाँ बैठना है बैठिए और बहुत ही आराम से आप यहाँ पे आप पूरा दिन बिता सकते हैं। मेरे लिए तो यहाँ पे सिर्फ 30 मिनट से 1 घंटा ही काफ़ी है पूरे एरिया को कवर करने के लिए, बट आप चाहें तो और ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पर घूम सकते हैं, अपने परिवार फ्रेंड्स किसी के भी साथ आके यहाँ का आनंद ले सकते हैं। आपको पीछे मेरे दिख रही होगी कुतुब मीनार, बहुत ही भव्य है, जैसा कि मैंने सोचा था उससे और ही ज़्यादा भव्य है ये। आप चारों तरफ देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, तो कुतुब मीनार में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा टाइम जा रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे बहुत ही फ्रेश एयर आएगी और पीछे कुतुब मीनार दिख रहा होगा आपको, बहुत ही भव्य और ऊंचा कुतुब मीनार। यहाँ से फ्लाइट भी जाती है, प्लेन्स भी जाते हैं यहाँ पे, आपको दिख जाएंगे ऊपर, ये जा रहा है एक प्लेन।
जर्नी कुतुब मीनार की बहुत ही बढ़िया थी, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की, बहुत सारे वीडियो बनाए। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं और आपको नई नई जगह के अपडेट्स देता रहूं। दुनिया की सबसे दूसरी बहुत बड़ी मीनार कुतुब मीनार। तो ये था मेरा सफ़र कुतुब मीनार का, जो कि बहुत ही आनंद भरा रहा, बहुत मज़ा आया यहाँ पे घूम के मेरे को और बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक हुई, बहुत सारे वीडियोस बनाए। अगर जो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन जो कि नीचे दी गई हुई है, इस लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करिए और उसको इस वीडियो को लाइक दीजिए और उसको कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, आपका सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए। थैंक यू। मेरा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है कुतुब मीनार का, और
मेरी अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे दिए गए हुए बटन पे क्लिक करें और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें। आपके कमेंट्स और लाइक्स मुझे मोटिवेट करेंगे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, और मैं हर चीज़ को इंक्लूड करूँगा जो कि आपको हेल्प करे वीडियो के दौरान। मेरा अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है आप सभी के लिए। टिल देन थैंक यू सो मच। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम rakesh_y0 और मेरी वेबसाइट है www.rakeshyzara.com। थैंक यू सो मच गाइस। टिल देन लव यू। आपको अगर जो कुछ खाना पीना है तो कुतुब मीनार के जस्ट अपोजिट में ही बहुत सारी शॉप्स हैं ये, जहाँ पे कि आप खा पी सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे कबाब एक्सप्रेस भी है, कैफ़े कॉफ़ी डे, सबवे, सारे ही है। तो अगर जो आपका दिन का सफ़र ख़त्म हो जाए तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। और फिर है यहाँ पे एक रेस्टोरेंट, कुतुब रेस्टोरेंट, जो कि हमेशा फुल रहता है। तो हमारी जर्नी यही ख़त्म हुई कुतुब मीनार की। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।